हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों मेरा नाम है अनिकेत और मैं रहता हूँ टोरंटो कनाडा के अंदर। और काफ़ी सारे जो वीडियोस के ऊपर मुझे कमेंट देखने को मिलती है और काफ़ी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि अगर हमें कोई प्रोविंस से नॉमिनेशन मिला है तो हम वहाँ से कितने टाइम बाद मूव हो सकते हैं और कितना टाइम हमें वहाँ पर मिनिमम रहना होगा। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। और आगे भी एक क्वेश्चन है जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे अगर आप सास्केचवान पीएनपी से आए हैं और आपको ये लगता है कि अगर आपको सास्केचवान में 2 साल कम से कम रहना है तो कैसे आप सास्केचवान में रह सकते हो और अल्बर्टा में इनकम कर सकते हो, तो उसके बारे में भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि कैनेडा की लाइफ के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और दोस्तों आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझसे 1-to-1 अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं, कनाडा आने के बारे में कौन से रूट से आया जाए, किस तरह से हम कनाडा में इजीली सेट हो सकते हैं, तो उससे मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं। तो अगर आप भी मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे DM कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन है वो अवेल कर सकते हैं, क्या चार्जेस है और क्या अवेलेबिलिटी है। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात आती है कि अगर आप पीएनपी प्रोग्राम से नॉमिनेटेड होते हो तो ये कहा जाता है कि आपको कम से कम वहाँ पर 2 साल रहना होता है। और ये जो बात है आपको काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे एजेंट्स वगैरह है ये आपको बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वहाँ पर सेटल होना है या नहीं होना है, कितने टाइम आपको वहाँ पर रहना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे सास्केचवान पीएनपी से नॉमिनेशन मिला था, मैं डायरेक्टली सास्केचवान ही गया था और मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल का जो टाइम है वो मैंने स्पेंड कर दिया है। और मेरा जो पर्पस था वो उसके हिसाब से नहीं था, क्योंकि मेरा पर्सनल रीज़न था और उसकी वजह से मैं सास्केचवान में 2 साल रहा था। लेकिन मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो 4 से 6 महीने के अंदर टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी जैसे बिग सिटीज़ के अंदर मूव हो चुके हैं और अब तक वो ऑलरेडी कैनेडियन सिटीज़न बन भी चुके हैं। तो काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आप नॉमिनेटेड प्रोविंस से चले जाते हो तो फिर आपको सिटीजनशिप में प्रॉब्लम होती है, आपको PR रिन्यू करने के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता ही नहीं है। और ये जो सारी जो बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको नॉमिनेशन मिल जाता है तो उसके बाद आपको PR मिलता है, तो कैनेडियन PR कार्ड जिसके पास होता है उसका एक रूल है कि अगर आपके पास PR कार्ड है आप कैनेडा में कहीं पर भी रहने के लिए और सेट होने के लिए फ्री होते हैं। और ये जो राइट होता है ये आपको कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो अगर आपके पास PR कार्ड आ गया तो उसके बाद आपका नॉमिनेशन रिवोक भी हो जाता है, तो उससे आपके PR के स्टेटस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉमिनेशन रिवोक का असर है वो तब तक होता है कि जब तक आपके पास PR आए नहीं है और आपको PR कार्ड नहीं मिला है, आप ऑलरेडी कैनेडियन PR हो चुके हो तो उसके बाद नॉमिनेशन रिवोक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक बार राइट मिल चुका है तो कोई भी प्रोविंस आपका जो नॉमिनेशन होता है उसको रिवोक करते ही नहीं है और लोगों को कुछ भी परेशानी होती नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नॉमिनेटेड प्रोविंस के अंदर आपको 2 साल या उससे ज़्यादा रहना है, आपको टेम्परेरीली वहाँ पर रहना है या फिर आपको मूव आउट करना है। लेकिन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये होती है कि आपका जो भी डेस्टिनेशन है जो आपके COPR के अंदर लिखा है आपको उस सिटी में कम से कम 4 से 6 महीने तो रहने ही चाहिए जब तक आपका PR कार्ड ना आ जाए। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मुझे नॉमिनेशन मिल गया है सास्केचवान से, मैं रजाई ना जाने वाला हूँ, लेकिन उसकी जगह में मैं सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद फिर मैं मेरे फ्रेंड का अल्बर्टा या टोरंटो का कोई एड्रेस दे दूँ तो क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए इस केस में ये हो सकता है कि आप नॉमिनेटेड हो सास्केचवान से और आप अपना जो एड्रेस है मेलिंग एड्रेस है वो आप कोई और प्रोविंस का दे रहे हो, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। और जब तक आपके पास PR कार्ड नहीं आता है तब तक आपके पास ये राइट नहीं होता है कि आप कैनेडा में कहीं पर भी रह सको। तो जब तक आपका PR कार्ड नहीं आ जाता तब तक आपको वहीं पर ही रहना है। और आपको ये भी करना चाहिए
कि जो भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अपने फील्ड वगैरह की जॉब्स के लिए, तो उसके लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी बना दो और जो भी जॉब्स अप्लाई करो उसका रिकॉर्ड आपके ईमेल के ऊपर रहेगा और उस ईमेल से इन फ्यूचर कभी भी आपको कुछ भी परेशानी होती है या प्रोविंस आपको कुछ बुलाता है तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपने इतनी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, आपको अपने फील्ड की जॉब नहीं मिली और दूसरे प्रोविंस से उसकी ऑफ़र मिल गई तो आपको मूव होना पड़ा और उसके बेसिस के ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो चांसेस है ये काफ़ी कम लोगों को देखने को आया है। अब तक मैं ऐसे किसी भी लोगों को जानता नहीं हूँ जिसको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो आप पीआर कार्ड आने तक वहाँ पर वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर मूव आउट कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो 2 साल रहना ही है सास्केचवान में लेकिन अर्निंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए ऐसा कुछ हमें करना है, तो देखिए सास्केचवान की मिनिमम वेज है वो $13 है और अल्बर्टा की मिनिमम वेज है वो $15 पर आवर है, तो $2 का डिफरेंस है। अगर आप कोई छोटे सिटी में रहते हो तो वहाँ पर ये जो $2 का डिफरेंस है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो सास्केचवान और अल्बर्टा की बॉर्डर के ऊपर एक टाउन है जिसका नाम है लॉइडमिंस्टर। और ये टाउन की खास बात ये है कि ये दोनों ही प्रोविंस में पड़ता है, आधा सास्केचवान में है और आधा अल्बर्टा में पड़ता है। और यहाँ के लोग भी इतने ज़्यादा स्मार्ट है कि उन लोगों का जो रेसिडेंस वगैरह है वो सास्केचवान में ज़्यादा है और अल्बर्टा में सारे बिजनेसिस है। हालांकि ये जो टाउन है वो छोटा है, 36,000 या 40,000 की उसकी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सारे जो भी मेजॉरिटी बिजनेसिस है वो अल्बर्टा साइड में है, तो आपको मिनिमम वेज मिलेगी वो अल्बर्टा की मिलेगी $15 पर आवर। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप रहने का सास्केचवान की साइड में कर सकते हैं, आपका जो टैक्स भरने का होगा वो भी सास्केचवान में जाएगा लेकिन आपकी अर्निंग होगी वो अल्बर्टा में जाएगी, तो वहाँ की अर्निंग आपको ज़्यादा मिलेगी और इससे आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो जुगाड़ है ये आप लगा सकते हो और मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि हमें 2 साल रहना ही है लेकिन थोड़ी अर्निंग बढ़ जाए ऐसा हमें कुछ करना है तो हम क्या करें, तो इस केस में आप ये जो जुगाड़ है ये आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।